हेलो गाइस, क्या आप सब लोग 3 BHK, 3.5 BHK, 4 BHK या फिर 4.5 BHK के लग्जरी अपार्टमेंट सर्च आउट कर रहे थे द्वारका एक्सप्रेसवे पे? द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगेन आपका बजट सेगमेंट जो है वो हायर साइड चला जाता है, यानी कि 20-22 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आप इसकी वजह से नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वो चीज़ आपके पॉकेट में फिट नहीं हो रही थी, दूसरा कभी आपके साथ जो है बिल्डर की क्रेडिबिलिटी को लेके चैलेंज आ गया, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम M3M ग्रुप की बात करते हैं तो M3M ग्रुप के जो न्यूज़ आते हैं तो इससे बहुत सारे लोग जो है वो बैक स्टेप कर लेते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो उस केस वाले जो पर्सन थे उनके लिए, इसके अलावा जो बिगर साइज की वजह से नहीं ले पा रहे थे, जिनका जो साइज है वो 2500 से आपका 3500 स्क्वायर फीट का नॉर्मल साइज हो गया था गुड़गांव में, तो इसकी वजह से वो गुड़गांव में प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे थे। तो बहुत सारे रीजंस हैं इस टाइप के जिनकी वजह से लोग प्रॉपर्टीज नहीं परचेज कर पा रहे थे। तो अभी जो है एक प्रोजेक्ट आया है सेक्टर 103 के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो इन सब चीजों को रिजोल्व करते हुए दिखाई दे रहा है। तो आज हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। इसके प्रो कॉन्स एंड सारे डिटेल्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, आपको साइट विजिट भी करवाऊंगा जिससे आपकी सारे डिटेल्स जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये जो प्रोजेक्ट है ये गोदरेज प्रॉपर्टीज की तरफ से है और इस प्रोजेक्ट का नाम है गोदरेज वृक्षा, सेक्टर 103 अपर द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट लोकेटेड है। मींस आपकी जो एंट्री एग्जिट है वो 75 मीटर रोड से रहने वाली है, इजीली कनेक्टेड है द्वारका एक्सप्रेसवे से, रोड ऑलरेडी बनी हुई है। जैसे ही आप ड्रोन फुटेज देखेंगे, साइट देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके अलावा प्रोजेक्ट जो है ये पूरा टोटल 15 एकड़ के अंदर है, जिसके अंदर टोटल 6 टावर्स रहेंगे। प्रोजेक्ट की जो डेंसिटी है वो अप्रोक्स 42 फैमिलीज पर एकड़ रहने वाली है, मतलब कि लो डेंसिटी प्रोजेक्ट रहेगा। और दिस इज द लास्ट प्रोजेक्ट जो नॉन TOD लाइसेंस के साथ है। इसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे वो आपको TOD लाइसेंस के साथ ही मिलने वाले हैं। अब आप पूछेंगे TOD क्या होता है, तो मैं आपको कहूंगा इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाए ये टर्म्स, क्योंकि आपने टर्म्स तो बहुत सुनी है कि ये है EDC, IDC है, TOD है या फिर नॉन TOD है, आखिर होता क्या है। तो इन सब चीज़ों के लिए वही बात है, अगर इस वीडियो में बताने बैठूंगा तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी, फिर आप वही बात है बोर होने लगोगे। तो इसीलिए इसके रिगार्डिंग हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी टर्म के बारे में जानना है या फिर कोई भी छोटी चीज़ जिसको आपको लगता है कि हमें पता होनी चाहिए और हमें नहीं पता है, जस्ट हमने इनकी शॉर्ट फॉर्म सुनी है, तो उसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज, जैसा कि बताया ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको मल्टीपल लेआउट्स मिलेंगे, मीन्स 3 BHK भी है, 3.5 BHK भी है, 4 BHK भी है, 4.5 BHK भी है। स्टार्टिंग जो रेट है वो आपको 3.3 CR से स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा एंड आपको हायर साइड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6 CR के समथिंग चीजें देखने को मिलेंगी, मतलब अंडर अंडर में ही है, बट आप एक मोटा मोटा बजट मतलब 3 से 6 करोड़ के बीच में है, तो आपका बजट सेगमेंट ये होना चाहिए। जो रेट है इनिशियली वो इन्होंने 16,999 यानी कि 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट मिला है। तो अगेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे जब हम रेट कैलकुलेशन करने जाते हैं तो 19 से 20 हज़ार रुपये का रेट जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका है जो आपको देखने को मिलता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो रेट भी आपकी पॉकेट में आता हुआ दिख रहा है। सेकंड, बिल्डर क्रेडिबिलिटी, मतलब बिल्डर को लेके काफी सारे चैलेंजेस होते हैं, काफी सारे न्यू बिल्डर्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसको लेके है जो है लोगों के मन में शंका रहती है कि यार ये कल डिलीवर करेगा नहीं करेगा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पता नहीं कैसी देगा। तो उसके लिए जो है बिल्डर की क्रेडिबिलिटी भी अच्छी है, यानी कि गोदरेज प्रॉपर्टीज है, मार्केट लिस्टेड प्लेयर है, तो काफ़ी टाइम से वही बात है काफ़ी सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार इनका एक प्रोजेक्ट था गोदरेज समिट, यस उसके अंदर इश्यूज थे, वो इनका पहला प्रोजेक्ट था जिसको चैलेंज मान के जो है इन्होंने अपनी सारी चीज़ों को जो है अब जो फ्यूचर में जितने भी प्रोजेक्ट आए उसके अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव किया। उस टाइम पे जो भी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग अभी जो है MI1 कंस्ट्रक्शन होगी सारी जगह, तो वो जो सीपेज के इशू थे या कंस्ट्रक्शन के चैलेंजेस थे, तो वो सारे जो है अब नए प्रोजेक्ट्स के अंदर किसी में भी नहीं है। और उस प्रोजेक्ट के अंदर भी जो है जो बिल्डर है, अब क्रेडिबिलिटी यही पता चलती है कि अगर
दिक्कत हुई है तो भी बिल्डर ने जो है बाई बैक का ऑफर दिया है, जिनके पास भी वो उनके अपार्टमेंट थे। तो अगेन जिन्होंने भी एक्सेप्ट किया वो एक्सेप्ट किया, जिन्होंने नहीं किया वो नहीं भी किया। तो अगेन बिल्डर की क्रेडिबिलिटी जो है वो यही समझ में आती है कि अगर आपको गलती से कुछ गलत भी मिल गया तो वो जो है रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो ये चीज़ है, तो ये बिल्डर की क्रेडिबिलिटी है। तो कोई भी चैलेंज आपको नहीं आएगा, ना ही ट्रांजेक्शन को लेके, ना ही आपको फ्यूचर के अंदर डिलीवरी को लेके। तो ऑन टाइम सारी चीज़ें आपको मिलने वाले हैं। अब प्रोजेक्ट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ सारी चीज़ें कि भाई जो टावर्स वगैरह जो रहने वाले हैं, अब इसकी स्पेशल यूएसपी क्या है, एक तो ये है कि दिस इज़ द लास्ट प्रोजेक्ट जो नॉन टीओडी के साथ आ रहा है। एंड सेकेंड, इसका ग्रीन एरिया मतलब कि 3 एकड़ के अप्रोक्स आपको सेंट्रल ग्रीन एरिया मिल रहा है। इसके अलावा एमिनिटीज़ भी आपको लग्जरी मिल जाती हैं, लाइक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल नॉर्मल नहीं है, टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल भी है, एंड आपको हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा। 90,000 स्क्वायर फिट प्लस का आपको इसके अंदर क्लब हाउस ऑफर हो रहा है। रेरा ऑलरेडी आ चुका है 6 जुलाई को, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वो चीज़। अब अगर हम इसमें अपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको सीलिंग हाइट जो है वो फ्लोर टू फ्लोर जो है वो 3.3 मीटर मिलेगी, और अगर फ्लोर टू सीलिंग की बात करें तो 3.09 मीटर की आपको हाइट मिलेगी। मतलब कि स्पेस आपको अच्छा खासा मिलेगा जिससे आपको वेंटिलेशन अच्छा रहेगा और आपको खुला खुला महसूस होगा, इसीलिए मैंने कहा स्पेशियस अपार्टमेंट इसमें ऑफर हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी कनेक्टिविटी या लोकेशन की बात करें तो आपको विद इन 5 to 10 मिनट ड्राइव आपको स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स वगैरह सारी चीज़ों से कनेक्ट हो जाते हो, और आप इजीली कनेक्टेड हो IICC से, IJEE एयरपोर्ट से, डिप्लोमेटिक इनक्लेव से। तो इन सब चीज़ों से जो है आप इजीली कनेक्टेड हो, विद इन 6 किलोमीटर आपको जो है ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। IJEE एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ है। तो फ्यूचर के अंदर अगेन आप अगर देखो तो सारी चीज़ें जो है वो आपकी सराउंडिंग में है, और अप्रोच बहुत अच्छी है रोड्स की, तो आपको सारी चीज़ें जो है वो आपको कंफर्टेबल लेवल पे मिल जाती हैं। तो सारी चीज़ें आपके फेवर में है, और जो सबसे बड़ी बात है यानी कि प्राइस और साइज की, तो प्राइस एंड साइज भी आपकी पॉकेट में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 1945 या 48 के समथिंग जो है स्टार्टिंग है साइज का। तो इससे जो है आपके लिए बेनिफिट हो जाता है, इजीली आपको इस पॉकेट साइज का मतलब मिल जाता है। तो 3.3 CR से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। EOI फिलहाल ओनली 20 लाख से जा रहा है। ये हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स हो चुकी हैं। बट अब एक चैलेंज और आता है, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं प्रो एंड कॉन्स दोनों आपके साथ शेयर करूंगा। तो कॉन्स में एक सेक्टर वाला जो इशू है वो और आता है, वो क्या कि सेक्टर 103 के अंदर जो है वो डंप यार्ड बनाया जा रहा था, यानी जो कचरे वाला जो था। आपने प्रोटेस्ट भी देखा होगा, वीडियोज भी बनाई थी लोगों ने, और मेरी भी एक वीडियो के अंदर नीचे कमेंट आया था कि कोई नहीं खरीदेगा इसको, आपका जो है यहाँ पे डंप यार्ड बनने वाला है, कूड़ा करकट का ढेर बनेगा, ये होगा वो होगा। तो अगेन उसके लिए भी मैं आपको वही बात है ट्रांसपेरेंसी के साथ बता देता हूँ, अभी वो जो डिसीजन है वो होल्ड हो गया है फर्स्ट थिंग। तो अभी गवर्नमेंट सर्च आउट कर रही है कोई दूसरी लोकेशन जहाँ पे वो ये चीज़ कर सके। सेकेंड, इसके साथ साथ ये वाली चीज़ भी है कि अगर उनको कोई और लोकेशन नहीं मिलती है तो उस केस में वो यहीं पर जो है डंप यार्ड बनाने की ट्राई करेंगे। बट अगेन हायर चांसेस हैं कि वो ये जो डंप यार्ड है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, बिकॉज यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो और भी आनी है। तो कोई भी जो है, और अगेन लग्जरी प्रोजेक्ट इसके अंदर बहुत है, जैसे कि वाइट लैंड का भी है आपका, गोदरेज का भी है, इसके अलावा फ्यूचर के अंदर भी चीज़ें एक्सपेंशन होनी है। तो जो है वो कोई भी बिल्डर जो है वो ये चीज़ नहीं करने देगा, जहाँ तक मुझे वही बात है, एक प्रैक्टिकल सोचने वाली बात है, तो कोई दूसरी जगह ही देखी जाएगी। बट अगेन अभी गवर्नमेंट का फैसला नहीं आया है, तो आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, तो वो फ्यूचर के अंदर पता चलेगा। बट करंटली वो चीज़ अभी नहीं होगी, और फ्यूचर के अंदर हायर चांसेस हैं कि वो वहाँ पे नहीं हो। अगर आप देखो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी या प्रोजेक्ट को, तो ये अगेन अच्छा है, लो डेंसिटी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप ये देखो कि ये वाला जो इशू है ये आने वाला है फ्यूचर के अंदर, तो मैं आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, तो एक ये एक डिफरेंट पार्ट हो जाता है। तो इस केस में जो है आप हमें मतलब कि कॉल करेंगे तो पता करेंगे, तो आपको रिमेनिंग जो भी ऑप्शंस हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जिससे आपके आप जिस भी प्रोडक्ट के अंदर कंफर्टेबल होते हैं या आपकी रिक्वायरमेंट जहाँ पे फुलफिल होती है उस प्रोडक्ट में आप ले सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बताई, ताकि आप डिसीजन लेने में आसानी हो जाए और आपको क्लियर रहे आपका माइंड कि आपको इसमें परचेज करना है या नहीं करना है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर 3 BHK जो है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है लॉन्च डे पर ही। ये चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी स्क्रीन के अंदर शो किया है कि 3 BHK ओवर सब्सक्राइब है। तो अगर आप जो है चीज़ें वर्किंग कर रहे हो तो ये अभी रिस्पॉन्स है,
बड़े साइजेस अगेन इसके अंदर फिलहाल अवेलेबल हैं। स्मॉल साइजेस में कुछ इन्वेंट्रीज हैं जो आपको मिल सकती हैं, जो लोगों ने वैसे होल्ड कर रखी थी वो वाली। तो गाइज मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट हमारे साथ शेयर करो, नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, अपना बजट, अपनी प्रेफरेंस, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी लोकेशन प्रेफरेंस, वो सारी चीज़ें शेयर करो। उसके बाद आप जो है आपको बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी सजेस्ट की जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही प्रोडक्ट ही परचेज करना है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट आपको वो परचेज करना है जो आपके बजट में फिक्स हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे और फ्यूचर में आपको जो है अच्छा रिटर्न बना के दे। तो इसीलिए कॉल करो, पता करो, और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट करके पूछो, उस पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आई थिंक थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जाते जाते आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।